द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर योर लाइफ. आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? आप है ना, आप हैं भाई सबसे महत्वपूर्ण. उसके बाद आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका वाइफ हस्बैंड हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं. क्योंकि अगर आप उनको महत्वपूर्ण मांगते हो तो फिर तो आप अगर बीमार पड़ गए, अपने आपका ध्यान रखा तो उनको कौन संभालेगा. सो व्हाट इज योर गोल एंड व्हाई? सबसे पहले आप हिलते तब हो जब आपके पास कोई कारण होता है ना. जब तक आपके जीवन में, मार्क जिम रॉन साहब ने बड़ा अच्छा बोला है, इनफ रीजन चाहिए अगर आप अपने आप को हिलाना चाहते हो. अगर आपने सुबह 4 बजे ट्रेन पे जाना है और रात को आप अलार्म लगा के भी सोते हो और रात को 2:30 बजे उठ के चेक भी करते हो कहीं 4 गलती से होता है कि नहीं, दो बार कई बार तो नींद भी नहीं आती है. लेकिन जिस दिन आपने कहीं नहीं जाना होता है 8 बजे भी आप ऊपर रजाई लेते हो और बोलते उठा नहीं जा रहा. जिस दिन आप 4 बजे उठे थे आपके पास एक कारण था, और जिसके जिस दिन आप 8 बजे भी नहीं उठ पा रहे उस दिन आपके पास कोई भी कारण नहीं है. इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वाय, कोई ना कोई अपना गोल बनाना होगा. इसके बिना आज तक कोई सफल नहीं हुआ. जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो. तो आपको आपकी सोच में ही नहीं आ रहा हाँ मैं करूंगा या करना है तो आपके नहीं. एक टूटे स्कूटर वाला जब तक कार के बारे में नहीं सोचता ना, पूरे जीवन भर टूटे स्कूटर पे किक्के मारता रहता है. और जिसके दिमाग में कार है ना, वो 6 महीने साल 2 साल बाद उसके नीचे कार होती है, टूटे स्कूटर वाले के नीचे भी. बिकॉज ही थिंक्स अबाउट, ही हैज अ गोल, ही हैज गॉट व्हाई कि मुझे ये करना है लाइफ में. आज वो जमाना नहीं है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. नेवर, गलत है ये, काटा मार दो इसके ऊपर. स्लो एंड स्टडी नेवर विंस द रेस. कछुए के जमाने गए, अभी तो खरगोश का ही जमाना है. फास्ट एंड फास्ट, यहां पे आपको फास्ट होना पड़ेगा. अगर आप फास्ट नहीं हो बहुत पीछे रह जाओगे. राइट, क्या करना पड़ेगा फास्ट होने के लिए? दिन को प्रोडक्टिव करना होगा, महीने को प्रोडक्टिव करना होगा, साल को प्रोडक्टिव करना होगा. प्रोडक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते. न्यूट्रिशन जिससे आप आगे बढ़ोगे, आपके माइंड का रोल 80% होता है, आपके हार्डवर्क का रोल 20% होता है कामयाबी में. लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना. तो इसका मतलब हमें ज्यादा काम कहां करना चाहिए? माइंड पे. तो डेली सीखो एटीट्यूड कैसे ठीक करना है, बिहेवियर कैसे ठीक करना है, टीम को कैसे संभालना है, क्या डिसिप्लिन लाइफ में लेके आना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है. तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए. जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप बहुत बड़े सफलता पे नहीं पहुंचोगे. सक्सेसफुल व्यक्ति क्या करते हैं? जान मारते हैं, जान घिसते नहीं है, निखरते हैं, पॉलिश होते हैं. You have to be strong enough. क्या सोच रहे हो जीवन में? कब तक ऐसे इन कॉम्प्रोमाइज लाइफ में जीते रहोगे? क्यों नहीं कुछ बने लाइफ के अंदर, कुछ करें? क्यों ना हम रातों की नींद छोड़ दें और जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए प्रण ले लें आज इस यूनिवर्सिटी से, इस अकेडमी से, कि आज के बाद मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा. इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ, मुझे करना है. जिन लोगों ने आज तक हिस्ट्री बनाई है उन्होंने सबसे पहले वो हिस्ट्री इधर बनाई है, बनने से पहले यहां बन गए वो. आपने वो स्टोरी सुनी है, वो एक ट्रेन के नीचे आके कट गई थी उसकी टांगे, क्या नाम था उनका? अरुणा सिन्हा. एंड अरुणा सिन्हा की जब टांगे कट गई और पूरी रात वो रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही ट्रेन से गिरने के बाद, 22-23 गाड़ियां निकल गई उसके टांगों में से, उसके उसके स्किन को चूहे खा रहे थे ट्रैक पे से. और जब उसको रात जब उसको पकड़ा गया, उठा के हॉस्पिटल में लेके गए, जब डॉक्टर ने बोला आज के बाद आप चल नहीं पाओगे, और उसका कोच आया और उसने बोला मुझे तो हिमालय पर्वत पे चढ़ के हिंदुस्तान के रिकॉर्ड बनाने हैं, उस हालत में जहां उसकी टांगे नहीं है और डॉक्टर ने बोला आप जीवन में कभी चल नहीं पाओगे, तो उसके कोच ने उसको क्या बोला पता है? वेट, उसके कोच ने उसको बोला तुम पहाड़ चढ़ोगी नहीं, तुम चढ़ चुकी हो, डेट आनी बाकी है. अगर तुम इतना सोच सकती हो और उस
जिसने हिमालय चढ़ा उसने रिकॉर्ड बनाए हिंदुस्तान के बिना टांगों के और वो लगा के डुप्लीकेट टांगे जो भी होता है, राइट? बट यू अंडरस्टैंड, आप यहां से पहले बनते हो और फिर आप एक्शन में कन्वर्ट होते हो, राइट? बेस्ट एंड एकेडमी से कुछ नया लेके जाइएगा, कुछ बनिएगा लाइफ के अंदर, दैट इज अवर विश. थैंक यू वेरी मच.